इधर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के राजभवन मार्च पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में पार्टी को अधिकार है कि सरकार की गलत नीतियों के प्रति सड़क पर उतरे, प्रदर्शन और आंदोलन करे। अगर कृषि कानून के खिलाफ और पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर कांग्रेस कुछ कर रही है तो सत्ता पक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी है और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यक्रम चला रही है तो सत्ता में बैठे लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? लोकतंत्र में हर पार्टी को यह अधिकार है कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करे, आंदोलन करे। कांग्रेस पार्टी भी आज धरना देगी, राजभवन मार्च करेगी, कृषि बिल कानून वापस लेने की मांग को लेकर और डीजल पेट्रोल में बढ़ते कीमतों को लेकर। तो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है तो सत्ता में बैठे लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रही है? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो अपना कार्यक्रम चला रही है सरकार के नीतियों के खिलाफ। इसमें जो विरोधी हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, वो क्यों बेचैन हैं? अगर कोई पार्टी कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है तो सत्ता में बैठे लोगों को बेचैनी बढ़ जाती है।